फाइनली मेरे दोनों पैरों की, ये दो साल पहले मेरा जूता लेकर गई थी, ये मेरा टूट गया था और मैं हर साल कहती मैंने लेकर आना है और इसको ठीक करवाना है। फाइनली मैंने इसको आज सलीम की मेहरबानी से गंडवा लिया मतलब ठीक करवा ली, सिलाई लगवाई दोनों तरफ। और हमारे घर में लाइट नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि हमारे मीटर में से पानी नीचे निकल आया और मीटर हमारा ख़राब हो गया। मीटर ख़राब हुआ है ना, कह रहे हैं 15 मिनट तक ठीक हो जाएगा। अरे हमारे घर में सफाई मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ बच्चे चूना खा रहे हैं। नहीं क्या कर रहे हो फिर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कंडीशनर बाय किया, यहाँ से मिल ही नहीं था रहा वो मोरक्को का ब्लू वाला। मेरे पूरे घर में ब्लैकआउट हुआ हुआ है, सुबह 6 बजे से लाइट गई हुई है। हमारा सोलर है बट ये सीन है कि हमारे मीटर में पानी आ गया तो जिसकी वजह से सब कुछ बंद हुआ पड़ा। तो खैर जी, ये मैंने मंगाया है, ये सल्फेट्री है कंडीशनर, ये इटली का बना हुआ है। तो ये मैं यूज़ करके बताऊंगी आपको इसके रिजल्ट्स कैसे। वो तो बहुत अच्छा था जो पिछली बार मैं यूज़ कर रही थी, उम्मीद है कि ये भी अच्छा होगा। इसकी प्राइस पाकिस्तान में 2200 है बट क्योंकि मेरी जो वो जो शॉप है वहाँ से मैं बहुत सारा सामान लेती हूँ तो उन्होंने मुझे 1900 का दिया है। अब ये परफ्यूम मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है पर इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो एम ही मैंने बाय के लिए, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था। अच्छा तब बड़ी इसकी रीज़नेबल प्राइस हुआ करती थी, अब तो ये जो है 1500 तक का मिलता है आपको, तो मुझे ये बहुत पसंद है। मे बी आप लोग को भी याद हो इसकी फ्रेगनेंस, ये बहुत मज़े की इसकी फ्रेगनेंस होती है। डाल लें और चावल नहीं मान रोटियाँ डाल दें। Not too good. बहुत चले रखते हैं। चलो। बेटे, मैं आपकी अम्मी तो नहीं हूँ। मुमानी है, मुमानी है, अम्मी नहीं है। ये बिच के गाने अच्छे गाने दो। ओए चुनू, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हमारे घर में तो माशाल्लाह फुल ऑन गहमा गहमी है, बच्चों ने खूब जो है ना रोला मचा के रखा हुआ है और मामू की तो खैर है। क्या कभी आप लोगों ने नान को इस तरीके से इंजॉय किया? हम लोग तो बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय करते हैं इस तरीके से, स्पेशली अगर रात को आप लोग अगर मेहमान आए हैं और नान बच गए हैं या वैसे आप लोगों ने नान मंगाए बच जाते हैं तो हम लोग करते हैं सुबह ना उसको थोड़ा सा पानी लगाते हैं और तवे पे थोड़ा घी डालते हैं यानी देसी घी डालते हैं और उसके बाद जो नान है ना उसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा घी नहीं डालना होता, नॉर्मल घी डालते हैं और इतना मज़े का क्रिस्पी बाहर से अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, लगता ही नहीं है कि ये रात का नान है। बहुत मज़ा आता है इसे सालन के साथ खाने में या जैसे भी आप लोगों ने इसको जो है वो कंज्यूम करना है। बहुत सारे लोग इस तरह के नान को चाय के साथ कंज्यूम करते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अलावा जी सलीम यहाँ पर अपने आर्टिस्टिक स्किल्स का मुजाहरा करते हुए बहुत ही कुछ शानदार और ख़ूबसूरत सी ड्राइंग बना रहे हैं और बहुत ही शानदार है ड्राइंग भी। खैर जी यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी जो है स्पेक्स का उसका ग्लास मैंने चेंज करवाना था क्योंकि अब यहाँ कटती गए सुबह, सबसे पहले उठते मेरी ग्लासेस ढूंढती है और फिर उसका बेड़ा गर्क करती है, लाइक उसको लिटरली ज़मीन पर रगड़ती है, टेबल पर रगड़ती है जिससे उसकी जो शीशे
है ना वो अन्य हो चुके हैं। तो मैं बेसिकली सिर्फ ग्लास चेंज करवाना था अपने स्पेक्स का, लाइक फ्रेम वॉज ओके। तो जब वो चेंज करने लगे ना तो जी क्रैक पड़ गए फ्रेम में भी। तो उन्होंने कहा जी आप सिलेक्ट कर लें कोई अच्छा सा फ्रेम, और मुझे कोई समझ नहीं थी आ रही। मैं कह रही थी वही दे दे जो मैंने आपको दिया है, तो उनके पास वो था नहीं। तो इतनी ज़्यादा मुझे खबारी हुई ना, और इतना मुझे गुस्सा चढ़ाया था ना कि मैं इस वक्त आप तो बता नहीं सकती। और मैंने इतना गंदा और इतना गंदा रैंडम सा फ्रेम चूज़ किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं घर बनवा के लेकर गई ना, लिटरली अम्मी कह रही थी ये क्या बनवा लाई हूँ। मैंने कहा यार अम्मी 2-3 घंटे मैंने सर्च किया है वहाँ पर बैठ के, मुझे तो कख समझ ना आया क्या बनवाऊँ। वो कह रहे थे ये आया है नहीं है, आप लगा के देखें आप पे अच्छा लग रहा है। और मैं लिटरली चुड़ैल नहीं लग रही थी वो लगा के। और ये मेरी चच्ची ने स्पेशल मेरे लिए बना कर भेजे हैं 2 तरह के केक और चॉकलेट वाले बिस्किट। ये तो मैंने उनसे फरमाइश करके आई थी कि मैंने खाने हैं, तो कहते मैं अच्छा अभी बना कर ना भेजती हूँ। और ये बना कर भेजे हैं मुझे, ये इतने यम्मी लग रहे हैं, बहुत मज़े के, बहुत ही मज़े के। आज ये था संडे, और हमारे घर संडे वाले दिन ना ज़्यादातर नाश्ता होता है हलवा पूड़ी का। मेजॉरिटी जो लाहौरीज़ हैं वो ज़्यादातर नान चने प्रेफर करते हैं, बट मुझे नान चने नहीं पसंद है। ऑल्दो हमारी जो आमना है उसको नान चने बहुत पसंद है, बट हमें हलवा पूड़ी पसंद है, या वो पठूरे शौक से कहते हैं, और पठूरे मुझे नहीं पसंद। तो अम्मी ने सोचा इससे पहले ये लोग पूड़ियाँ बाज़ार से मंगवाए, तो पूड़ियाँ मैं बना लेती हूँ घर पर, और चने और हलवा हम लोगों ने मंगा लिया था बाहर से, क्योंकि अम्मी ने जो हलवा बनाया अम्मी सूजी रखकर के ऊपर वो रोस्ट हो रही थी और अम्मी रखकर भूल गई और वो जल गई। तो फिर हम लोगों ने हलवा भी बाहर से मंगवाया, और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं हलवा पूड़ी जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। इसके अलावा मैंने दराज से ऑर्डर कराया था ये मोप, आप लोगों ने देखा होगा बहरीन में भी मेरे पास ये मोप है, और हर साल मैं आती हूँ और ये मोप हम लोग ऑर्डर करते हैं, और जब मैं चली जाती हूँ तो बच्चे तोड़ देते हैं, पन देते हैं इसको, फिर नया ऑर्डर करते हैं। खैर जी ये मैंने जहाँ से मंगाया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। मैं सजेस्ट करूँगी वैसे आप लोग इस जगह से ना मंगाएं, क्योंकि इसकी जो फिटिंग थी ना मोप की वो मुझे अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से मुझे बार बार रुक कर खुद से मोप को जो है वो अंदर डालना पड़ता था और निकालना पड़ता था, बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे। इसकी जो बकेट है ना उसकी फ़िटिंग ज़बरदस्त नहीं है, तो आप जब ये मोप सर्च करें तो इसके नीचे जो और आ रहे हो जिधर आपको लगे कि कमेंट्स रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो आप वो मंगा के देख लेगा, ठीक है। जो हमने पहले मंगाया था वो बहुत अच्छा मोप था, और सेम इसी तरह से मंगवाया था, आई डोंट नो वो कौन सा वो कौन सी शॉप थी या कौन सा सेलर था हमें याद कोई नहीं, तो इसलिए ब्रांडम मंगा लिया था। बट ये मुझे जो है वो तंग कर रहा था, और हमने यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रही है जिस तरीके से वीडियोस में करते हैं ना अनबॉक्सिंग जब होती है, तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं मोब की इस तरह की अनबॉक्सिंग करने की। ये टूट जाता है, ये जो है ना ये टूट जाता है। खाओ भैया कितनी बड़ी बाइट ली आपने, क्यों कंपनी की मुँह खोलो। यहाँ पर जो हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े का चीज़ी क्रीमी सा पास्ता। कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने रख दिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं साथ साथ लेती रहूँगी, बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही हैं। यहाँ पे जो अनियन है, गार्लिक है, चिकन है, मैदा है, थोड़ा सा मैं जो है ना लाजमी भेजूँ जिसमें हम बॉईल करते हैं ना कहाँ गया पास्ते को, वो उसका मैं थोड़ा सा पानी रख लेती हूँ इनकेस ज़रूरत पड़े, ठीक है। मिल्क है, ओरेगानो है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, टोमेटो पेस्ट है, टोमेटो केचप वो जाएगी साथ, हॉट चिली सॉस जाएगी, ठीक है। अब ना वो निकाल दो, केचप भी निकाल दो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बस ऑयल ले लिया मैंने इसके अंदर, और अब जी हम इसके अंदर डालेंगे अनियंस। बस इसे हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक, ठीक है। ये ज़रा फ्राई कर लें जी, हम इसके अंदर डाल देंगे गार्लिक। ये तकरीबन मैंने डाला है इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून मैंने गार्लिक डाला है, ठीक है। इसको 1 मिनट स्टर फ्राई करेंगे, देन जी हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। जैसी कलर चेंज हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी टमाटो पेस्ट, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी केचप, थोड़ी सी हॉट सॉस, ब्लैक पेपर,
और जो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर डाला है ओरिगानो, और इसके अलावा हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। अभी मैंने तकरीबन क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था, देन अगेन मैं ऐड करूँगी मोर जितना मुझे ज़रूरत होगी। सो सॉल्ट अपने अपने हिसाब से डालना है। केचप जो सॉरी टमाटो पेस्ट मुझे कम लग रही थी, सो मैं इसके अंदर टमाटो पेस्ट और डाल रही हूँ। ये ऑलमोस्ट 135 ग्राम का बॉक्स होता है जो तकरीबन मैंने क्वार्टर यूज़ किया था इस पास्ता की रेसिपी में, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग वाइट सॉस बनाने लगे हैं, जिसमें मैंने जिसके लिए मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। और फिर यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमारे पास मैदा था, और इसको अच्छे से मिक्स किया थोड़ी देर के लिए, लाइक हार्डली फॉर 1 to 2 मिनट्स, और देन ग्रेजुअली हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 कप जो है वो मिल्क ऐड करूँगी, क्योंकि वाइट सॉस थोड़ी ज़्यादा बनानी है मुझे, इसलिए मैं मिल्क का जो है सॉरी मिल्क की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखूँगी। और जी मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, और ओरिगैनो हम ऐड करेंगे। आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, और जैसे आपको लगे कि आपकी जो वाइट सॉस है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा रनी है, दरमियानी सी कंसिस्टेंसी है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। और जी पास्ता का जो चिकन है वो भी बन के रेडी हो चुका है, बहुत मज़े का लग रहा है, और टीस में भी मैंने चख लिया। इस टाइम पे मेरे नमक में जो भी एडजस्ट करना होगा आप चेक करके एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाइट सॉस भी हमारी रेडी हो गई है, और यहाँ पर जी हमने पास्ता भी बॉईल करके रख दिया है। और जी बस अब हमने क्या करना है, पास्ता डालेंगे और फिर जी हम इसके ऊपर वाइट सॉस डालकर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी वाइट सॉस कम है या आप चाहते हैं मोर क्रीमी हो जाए, तो आपके पास जैसे ऑल पर्पस की क्रीम्स होती हैं आप वो भी डाल सकते हैं इस पॉइंट पर, और अच्छे से आप मिक्स कर लें तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। सो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, अगर कभी कभार वाइट सॉस कम बन जाए तो इस तरीके से भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जी इस पॉइंट पर भी आप थोड़ा सा चीज़ डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था, और मसला मेरे साथ ये हुआ था कि मैं चीज़ निकालना भूल गई थी, और मिड में मुझे याद है कि यार आधी रेसिपी हो चुकी है, तो मैंने चीज़ नहीं निकाला, तो बस चीज़ निकाला तो उसको फिर मैंने हाथों से ज़रा थोड़ा सा साइड पे कर दिया उतार उतार के कि ये मेल्ट हो जाए। अब जब मुझे लगा मैंने ना चीज़ की क्वांटिटी ठीक रखी है, जब आमना आई ना तो मैं इसको बेक करने के लिए रखने लगी, तो आमना कहती आपने जो है ना चीज़ थोड़ा निकाला है। मैंने कहा नहीं मैंने ठीक निकाला है, तो जब मैं डाल रही थी तो वाकई में चीज़ मैंने बहुत थोड़ा निकाला हुआ था। अगर आप ज़्यादा ऊपर चीज़ डाल कर इसको बेक करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। हमें इसके साथ भी बहुत मज़ा आया था, बट ज़्यादा चीज़ होता तो क्या ही बात थी। तो यहाँ पर जो चीज़ ऊपर आपने लगा लेनी अपनी लेयर, और उसके बाद आप ऑलिव्स डाल लें ऊपर, और चिली फ्लेक्स होती है आप वो डाल सकते हैं, और फिर आप इसको 180 डिग्री पर जो है आप बेक कर लें फॉर 5 to 7 मिनट्स, या मे बी उससे ऊपर जितना आपको लगे कि आपकी हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो जाए, फिर आपने ये निकालना ऊपर वाली लेयर। बट बच्चे वेट नहीं थे कर रहे, तो मैंने जल्दी जल्दी बस जैसे चीज़ मेल्ट हुई ना तो मैंने बाहर निकाला पास्ता कि बच्चों को सर्व कर दूँ, क्योंकि उन्होंने उत्तम मचाया हुआ था कि पास्ता कब बनेगा, आप हमें कब सर्व करेंगे। तो बस जल्दी से यहाँ पर हमारा पास्ता बन के रेडी हो चुका है, और ये देखिए बेहतरीन किस्म का गर्मा गर्म किस्म का ये मुझे भूख लगी फिर से, बहुत मज़े का बना था। जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है ना इस पास्ते का वो ये था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक मुझे उम्मीद नहीं थी इतना उनको पसंद आएगा, मुझे था कि एक आधा ज़रूर कोई ना कोई नखरे करेगा, कोई ना कोई नुक्स निकालेगा, इसमें ये नहीं है ये होना चाहिए था। खैर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, सो आई वॉज़ रियली हैप्पी, और मैं बच्चों से कह रही थी बस खा ही जा रहे हो, बंदा कोई तारीफ़ ही कर लेता। तो ये देखे सब ने फिर थम्स अप किया कि भाई बहुत मज़े का बना है, और सब कह रहे थे कि हमें थोड़ा थोड़ा और डाल के दें। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने सर्व किया, फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म बैठ के खाया और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। और देखिए वक्त कितनी तेज़ी से बदलता है, अभी कल की बात है, अभी यहाँ पैदा हुई थी और अब माशाल्लाह बैठ के खुद से खाना खाने की यहाँ कोशिश कर रही थी। ये अभी आई की पहली दूसरी अटेम्प्ट थी कि शी वॉज ट्राइंग टू ईट बाय हरसेल्फ। और जो यहाँ पर मामू के साथ बच्चे प्लान कर रहे थे चार्ली खेलने का काफ़ी दिनों से, बट बच्चों की जो परफॉर्मेंस है बहुत पुअर थी, किसी न किसी बच्चे की शिकायत लग जाती थी और गेम नहीं थे ये खेल पा रहे। तो फाइनली वो दिन आ गया था कि बच्चे आज मामू के साथ खेलेंगे चार्ली कोई गेम है जिसमें इन्होंने भूत को बुलाना है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या करते हैं। मंदिर भगने 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 भ
बचाओ बचाओ।